सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल स्वेता क्रिएशंस को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और आप सबका स्वागत है मेरी श्वेता क्रिएशंस पे। तो आज हम बात करेंगे कि हेयर के लिए मेहंदी कितनी फायदा पहुंचाती है और मेहंदी को कैसे यूज करने से, बालों पे कैसे यूज करने से उसका फायदा ज्यादा होता है। ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मेहंदी के कितने फायदे हैं। मेहंदी से बाल झड़ने बंद होते हैं, बाल अच्छे कलर होता है, बालों में कंडीशनिंग आती है, बालों का बाल जल्दी से बढ़ना शुरू करते हैं। और हम इसकी गुणवत्ता को इसमें और कुछ ऐसी चीजें मिलाकर बढ़ा सकते हैं, वो आज हम बात करेंगे। तो मैंने कल रात को ही एक गोदरेज नूपुर का मेहंदी का एक पैकेट लिया और दो कॉफ़ी के पैकेट, नेस्कैफे के दो कॉफ़ी पैकेट मिला के रख लिए थे, क्योंकि मुझे ज़्यादा कलर चाहिए बालों में। अगर आप लोगों को कम चाहिए तो आप एक पैकेट भी डाल सकते हैं और एक से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इससे मैं पानी मिला के अच्छे से मिक्स करके रात भर के लिए छोड़ दूँगी। अगर सिर्फ कंडीशन के लिए चाहिए तो आप एक घंटा भी इसे मिक्स करके रखकर अपने बालों पर लगा सकते हैं। देखिए अच्छे से। तो आपने तो देखा कि मेहंदी को मैंने कैसे रात को भिगाया था, भिगोकर इसे 8 घंटों के लिए ऐसे छोड़ दिया था। इसे देखिए, इसका कितना, इसका कंसिस्टेंसी देखिए कितना अच्छा है। और हमेशा मेहंदी को एक लोहे के बर्तन में भिगोना चाहिए। अगर आपके पास लोहे का कोई बर्तन नहीं है तो हम ऐसे स्टील में भिगो सकते हैं। इससे बालों में कलर बहुत अच्छा आता है। मेहंदी में कॉफी पाउडर ऐड करने से कलर बहुत अच्छा आता है। इसमें लेमन ऐड करने से डैंड्रफ जाता है और बालों में शाइन आते हैं। और आप लोगों को अगर बालों में और ज़्यादा कंडीशन करना है तो इसमें आप अंडे का वाइट डालेंगे, येलो नहीं, वाइट डालने से बाल सिल्की होते हैं। अगर येलो डालेंगे तो बाल ड्राई हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि बालों में फायदे के लिए अंडे का वाइट डालेंगे। मैं इसमें अभी अंडा यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैं इसमें यूज करूंगी दही। तो दही से भी बहुत फायदा पहुंचेगा। तो इसे मैं अच्छे से मिला लूंगी। इसमें मैं ऐड करूंगी दही और लेमन। जब भी बालों में मेहंदी लगाएं तो बालों को पहले से अच्छे से धो ले, उसमें ऑयल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर बालों में ऑयल है तो उसे पहले धो के अच्छी तरह सुखा ले, उसके बाद मेहंदी लगाएं। और अगर कोई सिर्फ कंडीशन के लिए मेहंदी लगाता है तो आधे घंटे से एक घंटे तक रख सकता है। अगर डैंड्रफ को निकालना है तो 2 घंटे। अगर अच्छा सा कलर चाहिए तो 4 से 5 घंटे मेहंदी को रखना चाहिए। बहुत लोगों का ये कंप्लेन होता है कि मेहंदी लगाने के बाद हमारा बाल बहुत ड्राई हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि मेहंदी अगर हमारे बालों में रहकर ड्राई हो जाता है तो बालों का सारा जितनी ऑयल होते हैं वो उसे भी खींच लेता है। इसीलिए हमेशा 4 से 5 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे ही रखे। मेहंदी थोड़ा गीला हो तभी धो लीजिएगा। के बाद ओनली प्लेन वाटर से ही, नॉर्मल वाटर से ही हेयर वॉश कीजिए। शैम्पू या शैम्पू कुछ मत लगाइएगा। आप चाहे तो मेहंदी ग्लोव्स के साथ भी लगा सकते हैं या प्लेन हाथों से लगा सकते हैं। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं उनका नेल कलर हो जाता है, कुछ हो जाता है, वो अपनी मर्जी के हिसाब से है। मुझे मेहंदी हमेशा हाथों से लगाना ही पसंद है। मुझे मतलब अपने आप लगाना है ना, इसीलिए कोई अगर लगा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी मेहंदी लगाएं अपने बालों को अच्छी तरह से
कंघी कर लीजिए, बालों को अच्छे से सुलझा लीजिएगा। देखिए मेरे बाल कितने झड़ रहे हैं। एक बात याद रखिए, आप जब भी मेहंदी अपने आप लगाएं तो आप जहाँ पे खड़े होते हैं वहाँ पे ऐसे नीचे कुछ कपड़ा बिछा दें, वरना जब आप हेयर पे लगाएंगे वो अगर नीचे गिरेगा तो फर्श पर नहीं गिरेगा और हमारा फर्श भी गंदा नहीं होगा। पहले बीच में से लेना है, यहाँ से पहले। तो मिरर नहीं देख रही हूँ, कैमरा से ही लगा रही हूँ मैं, बालों के पूरा जड़ों से लेकर पूरा आखिर तक लगाना है। ऐसे ही हमें नीचे से, साइड से, हर जगह से हमें बालों के छोटे छोटे से लेयर लेने हैं। सारे बालों को ऐसे मेहंदी से लगा के ऊपर एक जोड़े की तरह बना लेंगे और आखिर में देखिए आखिर में जितना भी मेहंदी बचा होगा इसे ऊपर से इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। मेरे चारों तरफ से मेहंदी अच्छे से कोट हो चुकी है। हमेशा मेहंदी लगाने के बाद अपने फेस के चारों तरफ से अच्छे से क्लीन कर लीजिए, वरना कलर निकलेगा नहीं। अगर किसी के सफेद बाल हो ना, तब भी मेहंदी अगर हफ्ते में एक बार कंटिन्यू 2 से 3 महीने लगाए, उनका सफेद बाल दिखना पूरी तरह बंद हो जाता है। ऐसे में आप बाद में 15 डेज में एक बार भी अगर लगाएंगे तो अच्छा कलर छोड़ेगा। और गर्मियों के महीने में मेहंदी सर पे लगाने से हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कंट्रोल में रहता है, वरना हमारा पेट गर्म हो जाता है, सर गर्मी से दर्द करने लगता है। ये सब छोटा सा होम रेमेडी की तरह भी काम करता है। तो इसे मैं 2 से 3 घंटे रुकूंगी, फिर ओनली वाटर, नॉर्मल वाटर से वाटर वॉश कर दूंगी, सुखा दूंगी। मेरा ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।